अकील के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा होता है, जिस हादसे में ये अपने वालद, अपनी वालदा, छोटा भाई, अपनी भाभी समेत अपने घर के 13 अफराद को उस हादसे में खो देते हैं। 24-25 हादसे के बच्चे समेत जे 13 की डेथ हो गई। लोगों ने सफाई बहुत की थी है, वालियां, कोके, पैसे, मोबाइल ये भी लोग ले गए ने। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा वाकया हुआ है, आपके घर के जो 13 अफराद थे वो इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, तो ये क्या वजह बनी थी, क्या वाकया हुआ था सारा? ये जी पखर जा रहे थे, तो बरसी सी ताए मेरे दी उत्ते पखर जा रहे थे, चौंक मुंडे जाके इन्हों का एक्सीडेंट हो गया। हाई एस वाले ने ओवरटेक की, उन्हें फेस टू फेस ट्रक दे लिया के ना वो आप एक विघा पिछों जंप मारता, गड्डी दे विचों जंप मार के 100 किलोमीटर स्पीड ते सी गड्डी वो ट्रक जा वजे। यानी कि जो ड्राइवर है वो पहले ही उतर गया? हाँ जी, वो पहले उतर गया, पहले जंप मार गया सी। हाँ जी। तो ये कितने लोग टोटल सवार थे? तकरीबन 24-25 सवार थे, बच्चे समेत, छोटे बच्चे समेत, तो जो 13 की डेथ होगी। मुझे ये बताइएगा कि बाकी जो लोग सवार थे वो जख्मी हैं या फिर वो सही सलामत है, उनकी क्या कंडीशन है? सारे जख्मी ने जी, निश्तर हॉस्पिटल पे ने, मैं जो 2-3 ने जो घर आ गए ने, बाकी निश्तर हॉस्पिटल पे ने, जिन्हें जो 2 की हालत बहुत नाजुक है, बहुत खराब है 2 की हालत, तो बाकी कुछ बेहतर ने। किसी दी लत टुटी, दोने लत्तां टुटियां हुई, दोने बाजू टुटे हुए, एक मेरा कजन है ते भाभी है मेरी, वो दोने लत्तां बाजू टुटे हुए ने, मेरा अपना बेटा वो दोने लत्तां टुटियां हुई ने, तकरीबन 3 साल का बेटा मेरा। तो आप साथ नहीं गए थे? नहीं, मैं नाल नहीं सी गया। ये जो आपने गाड़ी करवाई थी, सारा वाकया हुआ है, ये गाड़ी कहाँ से करवाई थी और पहले भी उस ड्राइवर को साथ लेके गए? नहीं, पहले कभी नहीं लेके गए जी, बसीरा अड्डा ना लै गया, एक कस्बा उतों का ड्रा उतों की गड्डी, उतों उन्होंने को गड्डी करवाई सी, जिहड़ा मेरा कजन जी डैथ हुई है शफीक, उन्हें करवाई सी उतों गड्डी हुई जी। लाइसेंस वगैरह तो कुछ नहीं सी, सिर्फ वो कला शनाख्ती कार्ड से बस, और वो जाते हुए रस्ते तो चलान होया वा उ, सिर्फ अपना उन्हें शनाख्ती कार्ड शो किया, बाकी वो कुछ भी है नहीं, लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं सी। तो गड्डी का कंडक्टर आ, ड्राइवर नहीं है वो। मालक नाल गल हुई सी, पहले मालक कहिंदा जी मेरा ड्राइवर मौके पर डैथ हो गई वो, तो मैं उन्होंने आख्या, मैं मेरे घर के 13 अफराद की डैथ हुई है, मैं 13 उन्होंने डैड बॉडियां मैंने मिली, वह तेरे ड्राइवर की डैड बॉडी नहीं मिली। फिर अगले दिन वो आया, वो आके कहिंदा जी वो लापता वा नहीं मिल रहा। हुण तीसरे दिन उन्हें आके मैंने उन्हें होर गल सुनाई, कहिंदा जी जिहड़ा मेन ड्राइवर सी ना मैं उन्हूं भेजिया सीगा, तो उन्हें कहिंदा अगे तीसरा बंदा भेजता, कहिंदा इहदे च मेरी गलती नहीं है, मैं जिहड़ा ड्राइवर भेजिया सी उन्हें अगे होर बंदे नूं भेजिया। अच्छा, जिस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो पता चला है कि उसमें जो लोग थे वो सही सलामत है, या उनका भी जानी नुकसान हुआ है कुछ, या चोटें वगैरह लगी हैं? नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक ठाक ने ट्रक वाले। इंतजामिया ने अब तक आपसे रब्ता किया है, यहाँ पे कोई पहुँचा है आपकी दादरसी के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। गलानिया नाल शुरू तो चलते आ रहे हैं, हर जगह तो उन्होंने साथ दिता, वो इस तरह के ने कि बस कोई नहीं आया फिलहाल साढ़े को, हुकूमत वालों कोई साढ़े को नहीं आया। असं ये नहीं कहते भी साड़ी हेल्प कर, अफसोस करने लिए तो हक बनता ना उन्होंने, लेकिन कोई भी नहीं आया, सरकारी बंदा साढ़े कोई भी नहीं आया। अज आए ने SHO आया वा, तफशीशी आया, उन्होंने साढ़े नाल कोई गल नहीं की भी कि खिलाफ असी FIR दी है, कौन मुजरम आ, कौन मजलूम आ, उन्होंने असी कोई गल नहीं की, FIR की है जी, सानू मकामी थाना दिखा दो, असी उत्थे जाना वा, वो चले गए। मतलब कि FIR का अभी तक आपको नहीं पता हो गई या नहीं हुई? सानू कोई पता नहीं ये बारे ना, सानू उन्होंने दसिया वा भी कि खिलाफ FIR हुई है, कि उन्होंने कोई ऐसी वैसी आए भी है, उन्होंने ऐसी कोई गल की नहीं उन्होंने शुरू, वो फातिया करके तो अपना हो जाते हो जाए। अकील मुझे ये बताएगा कि जब वालद और वालदा घर से गए हैं तो उनसे आखिरी बात क्या हुई थी आपके? बाजी मैं दुकान पर से अबू उत्थे आया मेरे को, काफ़ी देर मेरे को बैठा रहा वा, तो बस मैं जाता है, कहता मैं तेरी अम्मी ने भी लैके जा रहा वा, कुड़ियाँ दोनों भी, भाभी का कहन लग गया भी उन्होंने भी लैके चला, भाई का भी इन्होंने अपने नाल लैके चला वा, तो मैं कहा जी चलो ठीक है जाओ, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत नाल पहुँचो। तुम कोई ऐसा फ़र्द भी था जिसने पहले जाना हो लेकिन जो प्लान था वो एन मौके पर कैंसिल हो गया, कि ये जो है नहीं जा रहा और उसकी जो जान है वो बच गई हो? नहीं जी, ऐसा कोई नहीं। हाँ ऐसे आ गए कि जिन्हों का है ही नहीं सी भी इन्होंने नहीं जाना, कुछ लोग सीगे सिस्टर सी मेरी वो भी नहीं सी जा रही, उन्होंने भी जबरदस्ती भाई लैके गया, तो भांजे मेरे दोनों वो भी कह रहे थे भी असी नहीं जाना, उन्होंने भी जबरदस्ती नाल लै गए, वो वालद ते वालदा भी नहीं तुसी चलो साढ़े नाल चलो, वो नहीं सी जाके राजी। भाई जिहड़ा मेरा छोटा पोत होया, वो कभी कह रहा सी मैं जाना, कभी कह रहा सी नहीं जाना, कभी कह रहा सी जाना,
ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਨ। ਉਹ ਆਪ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋ ਰੋਕ ਰਹੇ ਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸਸੇ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੋਈ ਥੀ ਆਪਕੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ। अकील भाई मुझे ये बताइएगा कि आप अभी बता रहे थे कोई वाकया भी पेश आया है वहाँ पे हादसे के अलावा, अभी वो क्या हुआ था वहाँ पे? ऐसे लोग सी उन्होंने कन्ना दियाँ वालियाँ उतार लिया कोके उतार ले जेड़े जिन्हें लोगों की डैथ हुई ने अबू दी अम्मी दी उन्होंने अम्मी दे कोका उतार लिया अबू दी जेब च पैसे कढ़ ले मोबाइल बहनोई मेरे का मोबाइल आ उदी जेब च पैसे सके काफ़ी ज़्यादा वो कढ़ ले कज़न मेरा वा वो जेब च पैसे सके वह भी कढ़ ले यानी कि लोगों ने सफाई बहुत की है कन्ना दे को वालियाँ कोके पैसे मोबाइल ये भी लोग लै गए ने उ। तो आपको इस सारे वाक्य की खबर कब हुई थी? तकरीबन एक्सीडेंट तो घंटा बाद। वो किसने बताया था? छोटे भाई ने फोन किया मैनू किसी के नंबर तो वह भी दस रहा कहता कि मैं पिछला शीशा तोड़ के बाहर निकलिया तो उन्हें किसी के नंबर तो मैंने फोन किया। तो जब एक्सीडेंट हुआ है आप लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो तब सभी लोग जिंदा थे या कुछ लोगों की डैथ हो चुकी थी? नहीं इस 11 की डैथ हो चुकी थी जो मैं पहुँचा हॉस्पिटल 11 लाशा पगिया मौके पर। वो दो लोग कौन थे जिनकी बाद में डैथ हुई है? एक मेरा कज़न है एक मेरी भाभी है इतने निश्चर हॉस्पिटल आके उन्होंने डैथ हुई है। वो हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे, आला हुकाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस दुख की घड़ी में क्या पैगाम देंगे उन्हें? संग दिल ना बनो जी असी थोड़े तो कोई पैसा नहीं मांगते वो नहीं मांगते सिर्फ आके अफसोस तो बंदा कर सकता आके पूछ तो सकता ना भी थोड़े नाल की होया वा इन्ना भी फुरसत नहीं आ उन्होंने नहीं आए फैसलाबाद एक बंदे की गर्दन से डोर फिरी है मरियम पहुंची है उत्ते नवाज शरीफ पहुंचा वा लेकिन इतने कोई MP MLA तक नहीं कोई आया भी किसी MLA को भी इन्नी फुरसत हो भी वो आके अफसोस ही कर जाए नहीं आया कोई ऐसी हुकूमत है।